हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो यहाँ पर रेमंड के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्वार्टरली और ईयरली कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है और आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो 18% से इंक्रीज़ हुआ है और इस क्वार्टर में कंपनी ने 1843 करोड़ का रेवेन्यू किया है। लेकिन उसी के साथ नेट प्रॉफिट की बात करें तो 80% नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे और 101 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है। अब यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पर 48% इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पर 359% इंक्रीज़ हुआ है। तो ओवरऑल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा इंक्रीज़ हो रहा है और रेवेन्यू भी कंपनी का बहुत अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है। लाइक क्वार्टर वाइज भी अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है। मार्केट प्राइस की बात करें तो 5 ईयर हाई है 1153 रुपीज़, बट करंटली 784.15 रुपीज़ पे, 6.74% अप, 49.50 रुपीज़। लेकिन इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं तो ये शेयर आपको और भी ऊपर जाते दिखेगा। अगर आपको इस शेयर में ट्रेड लेना हो तो आप इस शेयर में ट्रेड ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म पर्पस से भी अगर आपने आपको लेना हो तो आप तो भी आप ले सकते हो और आप इस शेयर को होल्ड भी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया शेयर लग रहा है जैसे इसके रिजल्ट्स आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।